MKCL एरा लाइव का सेशन नंबर 30 स्टार्ट करेंगे, इसमें 30 पर क्लिक करने के बाद लैब आर में आना है। लैब में टाइपिंग प्रैक्टिस जो है इसको क्लिक करके कुछ लिखना है और सबमिट करना है। इसके बाद सेल्फ लर्निंग, सेल्फ पाथ लर्निंग, इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड करना है, स्टार्ट कर देना है, इसको नेक्स्ट करेंगे। इसको नेक्स्ट करना है। क्वेश्चन है, यू नीड टू ओपन अ न्यू एक्सेल वर्कबुक इन योर फ्रेंड्स कंप्यूटर एज यू टू आर असाइन टू वर्क ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट। सेलेक्ट द इमेज दैट विल हेल्प यू टू ओपन एन एक्सेल स्प्रेडशीट इन विंडोज। तो इसका जवाब फोर्थ वाला लेना है, फोर्थ, इस पर क्लिक करेंगे, सबमिट। नेक्स्ट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेज साइज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा पेज साइज नहीं होता है, तो इसमें से A2 लेंगे हम, A2, इस पर क्लिक करना है, सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंटर टेक्स्ट इन नेक्स्ट सेल ऑफ द सेम रो एज द करंट सेल यू कैन प्रेस द डैश की। टेक्स्ट इंटर करने के लिए सेल में सेम रो के आपको कौन सी की प्रेस करना पड़ेगा, तो इसमें हम लेंगे टैब की, टैब सेकेंड वाला ऑप्शन, सबमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, While inserting text in cells in your worksheet, you can leave two or more cells empty in between to enhance readability. Readability enhance करने के वास्ते आप cells ले सकते, text ले सकते, तो सही है, true कर देना है, submit करेंगे। Next question है, Dash is feature that modifies the cells height to show all the information in it instead of allowing the extra text to overflow the cell boundary. इसमें से कौन से फीचर से आप शो करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो होने से, तो यहाँ पर रैप टेक्स्ट का ऑप्शन लेना है, इसे सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे, यू नीड टू इंसर्ट एन एडिशनल रो इन योर वर्कशीट यूजिंग द इंसर्ट शीट रो ऑप्शन, वेयर विल यू फाइंड इट्स ऑप्शन। आपको इंसर्ट करना है एडिशनल रो वर्कशीट के अंदर, तो आप वर्कशीट के अंदर एडिशनल रो लेने के लिए कौन से ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो फर्स्ट लेना है इन होम टैब, इन होम टैब ये इसका जवाब है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल मर्जिंग द सेल्स द टेक्स्ट ऑफ द राइट मोस्ट सेल इज मर्ज्ड एंड अलाइन्ड एट सेंटर बाय डिफॉल्ट। जब हम मर्ज करते हैं सेल्स को तो टेक्स्ट जो रहेगा वो मर्ज होगा और हाईलाइट होगा सेंटर में बाय डिफॉल्ट, तो इसे फॉल्स करेंगे, ये गलत है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, योर फ्रेंड क्रिएटेड एन एक्सेल शीट विथ लेटर्स एंड नंबर्स ऑफ लार्जर देन यूजुअल साइज टू चेंज इट, व्हाट ऑप्शन विल यू लुक फॉर। आपके फ्रेंड ने एक्सेल को लेटर और नंबर में लार्जर देन यूजुअल से करना है, तो यहाँ से कौन सा करेंगे, तो इसमें फर्स्ट लेना है फॉन्ट साइज, इसे सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन यूज द बोल्ड ऑप्शन टू हाईलाइट। हाईलाइट क्या कर सकते हैं बोल्ड ऑप्शन से, ऑल द कंटेंट्स इन सेल, ये लास्ट वाला ऑप्शन लेना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट करना है पिक्चर इन द ऑप्शन विच इज द सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट इसमें से कौन सा है, तो लास्ट वाला लेना है, सेंटर अलाइनमेंट लास्ट, इसको नेक्स्ट कर देना है। एक वीडियो आएंगी इसे खत्म होने के बाद, गो टू होम करना है, इसको यस करेंगे और गो टू होम करेंगे। सेशन नंबर 30 स्टार्ट करेंगे, गाइडेड डू इट योरसेल्फ, इसे स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट एग्जाम करेंगे। सेलेक्ट करना है कॉलम ए और इंसर्ट करना है न्यू कॉलम, उससे पहले होम टैब के सेल ग्रुप के इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट शीट कॉलम में से, तो कॉलम ए पर हम क्लिक करेंगे,
और न्यू कॉलम लेना है उससे पहले तो होम टैब के इंसर्ट में आने के बाद इंसर्ट शीट कॉलम यहाँ पर क्लिक करेंगे और बाहर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है सेल जिसमें फ्री सेमिनार लिखा हुआ है और चेंज करना है उसका सेल शेडिंग कलर डार्क रेड होम टैब के फॉन्ट ग्रुप से। तो इसमें फ्री सेमिनार जहाँ पर लिखा हुआ है उसमें आने के बाद उसका सेल का शेडिंग कलर डार्क रेड करना है, तो यहाँ पर फिल कलर में आना है और यहाँ पर रेड है डार्क रेड, इस पर क्लिक करेंगे और बाहर क्लिक कर देंगे, इसको सबमिट कर देना है। ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन डॉक्यूमेंट रिमूव करना है या इरेज करना है बॉर्डर होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के बॉर्डर से, इरेज बॉर्डर ऑप्शन से। तो इस डॉक्यूमेंट में रिमूव करना है बॉर्डर को फॉन्ट ग्रुप से, तो पहले हम सेलेक्ट कर देंगे फॉन्ट के ग्रुप में आएंगे और यहाँ से बॉर्डर्स, ये बॉर्डर्स है, बॉर्डर में आने के बाद इरेज बॉर्डर है तो ये इरेजर टाइप में आ जाएगा। अब हमें जहाँ जहाँ से बॉर्डर निकालना है उस पर हम क्लिक करके रखेंगे, वो सारी बॉर्डर वहाँ से निकल जाएंगी और इसे बाहर क्लिक कर देंगे, एक मरतबा सबमिट कर देंगे, ये भी सक्सेसफुली अटेम्प्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट करना है इमेज फ्रूट्स और वेजिटेबल की लेफ्ट साइड में जो दी हुई है शीट के, तो ये लेफ्ट साइड में इस पर क्लिक करेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल पर और फिर उसको फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट टैब, फॉर्मेट टैब में आने के बाद कलर में आना है, कलर में आने के बाद ऑरेंज असेंट कलर टू लाइट, तो यहाँ पर कर्सर रखने के बाद हम देखेंगे ऑरेंज असेंट कलर टू लाइट, ये डार्क है और उसके नीचे लाइट है, इस पर क्लिक करेंगे और बाहर क्लिक कर देंगे और सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट करना है शेप जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है सेमिनार डे वन, सेमिनार डे वन ये इसमें लिखा हुआ है, अब इसको नो फिल करना है फॉर्मेट टाइप से, तो फॉर्मेट में जाएंगे और शेप फिल और नो फिल कर देना है, नो फिल करके बाहर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट है, डिलीट करना है टेक्स्ट ईट हेल्दी एंड बी स्ट्रॉन्ग 2015 में, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू वर्ड आर्ट लेना है टेक्स्ट ग्रुप के इंसर्ट वर्ड आर्ट से, सेम टेक्स्ट लिखना है उसके अंदर, ये टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने ये जो बॉर्डर आ रही है चार एरो फोर एडिट, उसको क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से हमें डिलीट प्रेस करना है, ये डिलीट प्रेस हो जाने के बाद इंसर्ट में आना है, इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से हम जाएंगे टेक्स्ट ग्रुप में इंसर्ट वर्ड आर्ट और फिर यही लिख देना है इसके अंदर ईट हेल्दी एंड बी स्ट्रांग इन 2015 और इस पर क्लिक करने के बाद उसे सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट करना है कॉपी शीट की और रिनेम करना है उसको और स्टेप फॉलो करना है, क्रिएट कॉपी करना है शीट की और रिनेम करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें होम टैब के सेल ग्रुप में आना होगा, होम टैब के सेल्स ग्रुप में, ये सेल्स का ग्रुप ये है, यहाँ पर जाने के बाद फॉर्मेट में आना है, फॉर्मेट में मूव और कॉपी शीट में आना है, मूव और कॉपी शीट में जाने के बाद मूव टू एंड ऑप्शन पर क्लिक करना है और चेकबॉक्स पर क्लिक करना है क्रिएट कॉपी और उसको ओके कर देना है। अब उसे रिनेम करना है, रिनेम करने के लिए होम टैब के सेल ग्रुप में फॉर्मेट और वहां से रिनेम शीट पे आना है, रिनेम शीट में डे वन लिखना है, तो रिनेम शीट में हम जाएंगे और डे वन लिखकर इंटर प्रेस कर देंगे, बाहर क्लिक होना चाहिए, अगर ये वर्किंग में है तो सबमिट नहीं होगा आंसर, तो इसे आप सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट करना है न्यू वर्कशीट
इस शीट में होम टैब के सेल्स ग्रुप से इंसर्ट और इंसर्ट शीट में। तो हम होम टैब के सेल्स ग्रुप में आएंगे, वहां पर इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट शीट, अब उसे सबमिट कर देंगे। ये 8 क्वेश्चंस हो गए, इसे एंड एग्जाम कर देंगे। एंड एग्जाम होने के बाद ये 100 out of 100 ये हो गया, उसके नीचे नॉलेज चेक स्टार्ट करेंगे। नॉलेज चेक में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि यू नीड टू इंसर्ट एडिशनल रो इन योर वर्कशीट यूजिंग इंसर्ट शीट रो ऑप्शन, वेयर विल यू फाइंड दिस ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन लेना है, इसे सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, यू वांट टू हाईलाइट द बॉर्डर, हाईलाइट करना है बॉर्डर मल्टीपल सेल्स से, तो आप कहाँ से करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन लेना है फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन है, यू वांट टू इंसर्ट अट्रैक्टिव टेक्स्ट टू योर वर्कशीट, दिस टेक्स्ट मस्ट बी प्री फॉर्मेटेड, तो ये इसका जवाब है फोर्थ वाला, फोर्थ वन लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ विल यू यूज एन ऑब्जेक्ट सच एज लोगो और अ पिक्चर इन योर वर्कबुक टू क्विकली जंप फ्रॉम वन टैब टू अनदर, इसमें से कौन सा ऑप्शन लेंगे आप जंप करने के लिए। तो फर्स्ट लेना है हाइपरलिंक का इस्तेमाल। अब क्वेश्चन नंबर 5th है, विच टैब एनेबल्स यू टू इंसर्ट वेरियस इमेजेस माइक्रोस एंड XML फाइल इन योर वर्कशीट, तो डेवलपर टैब लेना है, सेकेंड वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यू वांट टू लिंक अ शेप इन टैब 1 टू सेल टैब 2, विच ऑप्शन इन द इंसर्ट हाइपरलिंक विंडो अलाउ यू टू डू सो, तो सेकेंड ऑप्शन लेना है, ऑप्शन नंबर 2 बी। विजय फाउंडर है स्टार्टअप टेक माइंड से और वो रजिस्टर करना चाहता है कंपनी, तो कहाँ से वो करेगा, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन लेना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फॉर गेटिंग यूर स्टार्टअप मोर रिकोगनाइज विच ऑप्शन इन द स्टार्टअप पोर्टल विल यू चूज फर्स्ट, तो सेकेंड ऑप्शन लेना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पोर्टल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो लास्ट लेना है रजिस्ट्रिंग फर्म विद डिटेल्स ऑफ बिजनेस पार्टनर्स, ऑप्शन नंबर 10th है। वाइल रजिस्ट्रिंग यूर पार्टनरशिप फर्म यू कैन डाउनलोड द प्रोसीजर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म डॉक्यूमेंट, तो इसका मतलब क्या है, तो फर्स्ट लेना है द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड सबमिटेड फर्स्ट। अब इसे हम यस करेंगे और एंड एग्जाम कर देंगे, एंड एग्जाम करके कंफर्म कर देना है। नेक्स्ट है सेशन एंड टेस्ट, इसे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट बेड एंड पोर्टेबल आर टू टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर्स, थर्ड ऑप्शन लेना है। नेक्स्ट है, द स्कैनर इज यूज्ड टू ट्रांसफर रियल पिक्चर और डॉक्यूमेंट इनटू कंप्यूटर जनरेटेड फाइल, तो ट्रू है, इसका जवाब सही है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, यू कैन नॉट स्कैन पिक्चर और इमेजेस और पिक्चर यूजिंग फ्लैट बेड स्कैनर, तो ये फॉल्स है, कर सकते हैं स्कैन उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ स्कैनर यू कैन प्रिंट, तो स्कैनर से प्रिंट नहीं होता, इसके मल्टी फंक्शनल रहा जब प्रिंट होता है, तो इसे फॉल्स करना है, ऑप्शन नंबर 2, और इसे एंड एग्जाम कर देना है। तो ये सेशन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में सेशन नंबर 31 स्टार्ट करेंगे।